हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बता रहा हूँ कैसे आपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में वन ऑफ द बेस्ट टेक्सचर पैक इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो मैं आपको बताता हूँ आपको एक आप कैसे इन टेक्सचर पैक को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ टेक्सचर पैक कैसा लगता है। शेडर्स नहीं है ये टेक्सचर पैक है, इसमें आपको जो ब्लॉक्स होते हैं और जो आइटम्स होते हैं इनका आपको टेक्सचर अलग मिलेगा। बहुत स्मूथ चलता है ये गेम। इस अगर ये टेक्सचर पैक आप लगाएंगे तो आपको आपका जो गेम है वो बिल्कुल लैग फ्री हो जाएगा और दिखने में और अच्छा दिखेगा। जो वेनिला होता है माइनक्राफ्ट का वेनिला पैक टेक्सचर पैक, उससे भी अच्छा टेक्सचर पैक है। तो अभी मैं इवनिंग हो रही, तो मैं भी इसको मॉर्निंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ टाइम को। तो यहाँ से मैं टाइम को एक बार कर लेता हूँ सही, तो यहाँ पर जाके डे कर लेता हूँ मैं। तो ये मैंने डे कर लिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये डायमंड है, ये आप देख सकते हो मेरी इन्वेंट्री में जो सेकंड नंबर पे डायमंड है। इसका लुक एकदम डायमंड जैसा आ रहा है, एकदम कट आप देख सकते हो कैसे डायमंड जैसा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हाथ में मेरी स्वॉर्ड है और ये एक्स है, देख सकते हो एक्स का लुक भी कितना अच्छा आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो देख सकते हो क्या लुक आ रहा है। मैं एक बार आपको स्पाई ग्लास से भी दिखाता हूँ इसका लुक, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया ये वाला, और इससे मेरा लैग बिल्कुल कम हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है, देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है देखने में। ये देख सकते हो कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है इसमें। और ये जो क्राफ्टिंग टेबल है इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा टेक्सचर पैक आ रहा है। देख सकते आप देख सकते हो ऐसा टेक्सचर पैक वेनिला में नहीं आता, और डायमंड बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और गोल्ड भी आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया गोल्ड। और यहाँ पर मैंने इसके ले लिया लेगिंग्स, तो मैं वापस एक बार स्पाई ग्लासेस लेता हूँ। तो स्पाई ग्लासेस तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है आर्मर में, और आर्मर का टेक्सचर पैक भी देख सकते हो कितना अच्छा है। और यहाँ पे आपको ये देख सकते हो एंडर पर्ल है, जो एंडर पर्ल कितनी अच्छी लग रही है। एंडर पर्ल भी है और दूसरी एंडर पर्ल भी है, इसका नाम होता है आई ऑफ एंडर। तो ये दोनों देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है, इनका टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा एक बार दूर से दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो इन दोनों को देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है। आप अगर ऐसे देखोगे वेनिला में तो इतना अच्छा नहीं आता, और इसमें भी थोड़ा सा कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है देखने में। और काफ़ी कुछ इसमें नया है, और बिल्कुल इससे आपका लैग जीरो हो जाएगा, लैग नहीं पड़ने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस टेक्सचर पैक के डाउनलोड प्रोसीजर को। टेक्सचर पैक को इंस्टॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, उस पर सिंपली क्लिक करना है। फिर आप कुछ इस पेज से डायरेक्ट हो जाओगे, आपको यहाँ पर थोड़े से सैम्पल्स भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हो इनको काफ़ी शानदार है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको जावा डाउनलोड दिखेगा, बेडरॉक डाउनलोड दिखेगा। ये जावा एडिशन और बेडरॉक एडिशन है, दोनों में वर्क करता है। तो अगर आप जावा एडिशन खेले तो भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप बेडरॉक एडिशन खेलते हो, बेडरॉक एडिशन और माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन सेम होता है, दोनों सेम होते हैं, तो आपको सिंपली ये बेडरॉक जो लिखा है बेडरॉक डाउनलोड, इसके ऊपर टैप करना है और आपको एक नए पेज को ओपन कर देगा। क्लिक हियर टू कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। फिर एक थोड़ा लोडिंग होगा, तो आपको उसको लोड होने देना है। तो ये लोड हो रहा है, इसे लोड होने देते हैं। तो ये लोड हो चुका है, आपको यहाँ पर फ्री एक्सेस पर क्लिक करना है। सिंपली फ्री एक्सेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये एक ऐड दिखाएगा, वो ऐड आपको हटाना है। तो अगर आपको ये लिंक पट्टे से डाउनलोड नहीं करना आता है, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कैसे डाउनलोड करते हैं लिंक पट्टे से, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर माइनक्राफ्ट या आपको रीटेक्सचर दिखेगा, उसके ऊपर सिंपली आपको टैप करना है ब्लू के ऊपर, और ये कुछ इस तरीके से आपके इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आपके नोटिफिकेशन में कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है माइनक्राफ्ट रीटेक्सचर डॉट एमसी पैक। आप इसको सिंपली टैप करके आप इसको माइनक्राफ्ट से ओपन कर सकते हो। अगर ये ऐसे माइनक्राफ्ट से ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको अपना जेड आर्चीवर ऐप खोलना है, फिर आपको अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है, और आपको जो है माइनक्राफ्ट रीटेक्सचर जो पैक है उसको ढूंढना है। डॉट एम सी पैक के आगे अगर आपके डॉट जिप लिखा हुआ है, डॉट जिप लिखा होगा, तो आपको डॉट जिप को इरेज करना है। कुछ लोगों के डॉट एम सी पैक के आगे डॉट जिप लिखा होता है, तो आपको डॉट जिप को इरेज करना है। फिर जो फाइल है इसके ऊपर सिंपली एक बार टैप करना है, और ये व्यू के साइड में जो आपको एरो दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको टैप करना है, और इसको आपको माइनक्राफ्ट से ओपन कर लेना। देखते हो ओपन विथ माइनक्राफ्ट, तो ये ओपन इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब तक ये ओपन हो रहा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, तो इसे ओपन होने देते हैं। हमारा गेम ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ भी आ गया इम्पोर्ट स्टार्टेड, तो आप समझ जाना जो आपने अभी एडाउन इंस्टॉल किया है सक्सेसफुली इम्पोर्टेड माइनक्राफ्ट रीटेक्सचर्ड वर्जन 2। तो ये एक ही बार आएगा, ये एक बार आने के बाद ये थोड़ी सी आपकी लोडिंग लेगा, तो आपको उसको थोड़ा लोड होने देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अब सिंपली जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिखता है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है। और मैं यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, ये थोड़ी लोडिंग लेगा, तो आपको उसको लोड होने देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है,
और आपको अपने ग्लोबल रिसोर्सेज में जाना है तो मैं आपको ग्लोबल रिसोर्सेज में जाके दिखाता हूँ ये ग्लोबल रिसोर्सेज। और आपको यहाँ पे ये जो पैक मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ ये आपको एक्टिवेट कर देना है। माय पैक्स में जाने के बाद आपको माइनक्राफ्ट रीटेक्स्चर्ड है इसको एक्टिवेट कर देना है कुछ इस तरीके से, फिर आपको बैक कर लेना, थोड़ी लोडिंग लेगा तो आपको उसको लोड होने देना। हमारा गेम लोड हो चुका है, आप देख सकते हो इंटरफेस बदल चुका है, ये आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप मत करना आप ग्लोबल रिसोर्सेज में। और आपको फिर क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करना है और आपको एक नया वर्ल्ड बनाना है अपना। तो इसमें कोई भी आपके एडवांसमेंट नहीं जाएगी, जो टेक्सचर पैक आप लगाओगे इसमें आपकी कोई एडवांसमेंट ऐसा नहीं होगा कि आपके एडवांसमेंट नहीं मिलेगी आपको, तो अचीवमेंट आपकी ऑन रहेगी। और आपको ये माइनक्राफ्ट रीटेक्स्चर्ड वर्जन 2 दिख रहा है, आपको इसको रिसोर्स पैक्स में एक्टिवेट कर लेना है। बिहेवियर पैक में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर आपको गेम सर्वे में जाना है, क्रिएटिव सर्वाइवर आपका जो मन हो कर लो, और उसके बाद इसको क्रिएट कर लो। तो ये क्रिएट हो रहा है, इसे क्रिएट होने देते हैं। तो हमारा वर्ल्ड लोड हो चुका है और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था टेक्सचर पैक कैसा लगता है, और इससे आपका लैग काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा अगर आप लो एंड डिवाइसेस में खेलते हो। जैसे ये देख सकते हो मैं कितना आगे तक जा रहा हूँ, लैग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी अच्छा चलने वाला, काफ़ी स्मूथ चलने वाला इस टेक्सचर पैक से। अगर आपका गेम लैग करता है तो आप ये टेक्सचर पैक लगा सकते हो और दिखने में भी बहुत शानदार लगता है। तो बताना आपको कैसा लगा ये टेक्सचर पैक, और वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे कंटेंट के लिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।